स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आपको पता है हम हेलो अल्केन हेलोरीन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो, आज मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा हमको रिएक्शंस दी गई हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। सो, आइए हम रिएक्शन लिख लेते। क्वेश्चन क्वेश्चन है राइट। सो टुडे इज 18/9/2020। सो राइट द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मेजर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच of the following reactions. आपको कुछ reactions दी हुई हैं, उनको हमने उनके हमने product लिखने, तो मैं straight away आपके सामने करूँगा answer में, ताकि आपको पता चल जाए। तो सबसे पहली जो हमारे पास है बेटा वो है CH3 CH2 and Cl, और इसमें हमारे पास NaCl है, NaI है, सोडियम आयोडाइड है, और क्या लिया हुआ है जी, एसीटोन, एसीटोन है, और हमने इसको हीट किया। सो बेटा आपको ये देख के ही पता चल रहा होगा कि ये जो है एसीटोन और सोडियम आयोडाइड लिया गया, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो ये बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन है, जिसमें हमको सिंपल NaCl रिमूव करना है और CH2 के साथ आयोडीन अटैच हो जाएगा। सो हमें दिया क्या हुआ था, 1-chloro-propane, और कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो जो हमने NaCl निकाल दिया, प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3 CH2 CH2I plus NaCl। सो ये जो बना है, ये बना हमारे पास बेटा 1-hydropropane, ठीक है। सो पहला आपको समझ आ गया, पहला था फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब नंबर टू है जी, कार्बन के अराउंड हमारे पास 3 CH3 हैं और Br लगा हुआ है, प्लस हमारे पास है KOH, और यहां पर हमारे पास है जी इथेनॉल दिया हुआ, और अगेन हमने इसको हीट करना। सो इसका नाम क्या है, नाम है जी 2-bromo, चाबी रख दी, 2-methyl propane। सो ये 2-bromo 2-methyl propane है, और फिर से हम बेटा क्या है, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, यानी ये वाला हमारा कार्बन हो गया अल्फा, और इसके अक्रॉस हमारे पास 2 beta carbon है, जिन पे हाइड्रोजन्स हैं। सो बेटा यहाँ पे आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, 2 product नहीं बनेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बना लोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 और C, फिर CH3 यहाँ ले लेते हैं, और मैंने ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड बनाया, तो इसको मैं शो कर दूंगा ऐसे, ठीक है। सो यहां से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन और एक Br निकाल दिया HBr की फॉर्म में, निकला गया एक तो KBr निकला, और साथ में OH के साथ एक हाइड्रोजन जो हमने मूव करा वो वाटर की फॉर्म में बाहर आ गया।
सो इसका नाम बना जी टू मिथाइल प्रोपीन। अब हम चल गए हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है जी CH3, फिर BR आ गया यहां पर, और यहां पे जरूर लिख लेना कौन सी थी ये, डीहाइड्रो। यही लेट जाओ थोड़ी देर, उसको तो अभी टाइम लगेगा। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब अगले में हमारे पास क्या है, BR लग चुका है, फिर हमारे पास है जी CH2 एंड CH3। सो इसका नाम क्या है बेटा, टू ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, अब हमने इसको ट्रीट करना है NaOH के साथ। तो सिंपल, इसमें तो बेटा हमारा वाटर यूज होगा और अल्कोहल बन जाएगा। कैसे होगा, NaBr निकल जाएगा और OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ इस कार्बन से। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH के ऊपर OH, फिर CH2, फिर CH3 प्लस NaBr, ठीक है। और ये बन गया हमारा ब्यूटेन टू ओल। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ दिया हुआ बेटा हमको CH3 CH2 BR। ये है जी ब्रोमो ब्यूटेन। अब ब्रोमो ब्यूटेन में आप डाल दो KCN, तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। इसमें हमने क्या डालना है, एक्वस इथेनॉल डालोगे तो KBr निकल गया, CN लग जाएगा बस इसके साथ। सो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, सायनो इथेन। और इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3 CH2 एंड CN, और साथ में KBr बाहर। सो ये क्या था जी, ये था जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो हमेशा न्यूक्लियस लविंग होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो ये रहा वो न्यूक्लियोफाइल, CN ने जाके यहाँ पे CH2 पे अटैच हो जाना। सो चार ये हो गई। अब फिफ्थ पे चलते हैं। आइए फिफ्थ देखें। फिफ्थ आपको दी हुई है C6H5ONa, ठीक है। सो ये है सोडियम फिनोक्साइड। अब इसके अंदर सोडियम फिनोक्साइड में आप डाल दो C2H5Cl। तो पूछा गया है जी क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा एस्टर बनेगा, क्योंकि NaCl जब निकल जाएगा बेटा तो हमारे पास एस्टर बनेगा, और एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ROR एस्टर। सो इसका नाम क्या रिएक्शन का, विलियम सन्स सिंथेसिस। सो प्रोडक्ट बना C6H5 O C2H5 प्लस Na
सीएल। सो ये है जी हमारा फेनिटोल। फेनिटोल का फॉर्मूला यहां पे भी बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे, O C2H5, ये भी फेनिटोल ही है। तो ठीक है जी, देखा आपने कितना इजीली हो गया ये, NaCl निकाल दिया, C2H5 को ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, आपका एस्टर बन गया। क्या है ये? एस्टर। अब हम पहुंच गए सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में है हमारे पास प्रोपनोल दिया हुआ जी, CH3 CH2 CH2OH, और प्रोपनोल को रिएक्ट किया है जी SOCl2 के साथ। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन प्रोपा नोल। अब वन प्रोपनोल में अगर हमने SO2 निकालना है, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, एक HCl निकल जाएगा यहाँ पे, एक HCl निकल जाएगा और पीछे एक Cl जो बचेगा वो CH2 से जुड़ जाएगा, यानी हमने यहाँ पे क्या बना दिया, हेलोल्केन बना दिया। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस SO2, ये गैस है, सो ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे, प्लस HCl। सो क्या बन गया, वन क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन बन गया। ठीक है, अब हम पहुंच गए बेटा सेवेंथ पे। सेवेंथ रिएक्शन हमारे को क्या बता रही है, सेवेंथ रिएक्शन में हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां पे हम डालेंगे परोक्साइड। परोक्साइड डाल दिया तो यानी एंटी मार्क एडिशन हो गया। अब देखो बेटा यहां पे HBr का एडिशन है, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू मार्क के नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, पर क्योंकि यहां पे हमने परोक्साइड यूज करा तो यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज होगा, एंटी मार्कोनी कोवनी कोव्स कोव्स एडिशन कर देते हैं। अब Br हमने उस कार्बन पे भेजना जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, Br इधर भेज देना, हाइड्रोजन इधर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Br। ये बन गया हमारा वन ब्रोमो ब्यूटेन, वन ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। अब हमारा आखिरी CH3, फिर हमारे पास CH है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर कार्बन के ऊपर दो CH3 हैं। अब हमने सीधा इसमें HBr डालना है, HBr डालना है, तो डेफिनेटली ये कौन सा एडिशन हो गया, मार्क एडिशन, यानी Br हमने किस कार्बन के ऊपर भेजना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी नहीं है, Br हमारा इस कार्बन के पास जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, फिर CBr लगा देते हैं, दो CH3 इधर लगा दो, कंप्लीट। तो इसका नाम क्या था, टू मिथाइल ब्यूट टू इन, और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बेटा यहीं पे हमारा ये खत्म हो गया। तो आज मैंने आपको टोटल 8 रिएक्शंस करके दिखाई है। क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमको सिर्फ रिएक्शंस लिखनी थी, कंप्लीट करनी थी, तो मैं इसका आपको पिक भी भेज दूंगा, बाकी नोट्स की पिक भी भेज रहा हूँ। तो आज का लेक्चर अच्छे से लिख लेना। आज के लिए इतना ही, स्टे होम स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।